ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर बुधवार को जनहित में बड़े फैसले लिए हैं। प्रदेश में संचालित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सलाहकार बोर्ड के गठन की मंजूरी दे दी है। प्रदेश के मुख्य सचिव इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे। इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए 16 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी है। बता दें, प्रदेश में की अलग अलग विभागों की ओर से सीएसएस के तहत चलाई जा रही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से संबंधित योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग और मूल्यांकन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सलाहकार बोर्ड के गठन की मंजूरी दे दी है। इस बोर्ड के चेयरमैन मुख्य सचिव होंगे। इसके अलावा बोर्ड में 11 सदस्य होंगे। डीपीटी योजनाओं से जुड़े विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव, शासन सचिव इसमें सदस्य होंगे, जबकि प्लानिंग विभाग के सेक्रेटरी इसके सदस्य सचिव होंगे। प्रदेश में जन आधार डीबीटी पोर्टल पर राज्य सरकार की ओर से नोटिफाइड 171 में से 85 योजनाएं चलाई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए सीएम अशोक गहलोत ने 16 करोड़ रुपए के एडिशनल बजट प्रावधान को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान इस स्कीम में मिलने वाली एप्लीकेशन का जल्द निपटारा हो सकेगा और जल्द सहायता राशि मंजूर की जा सकेगी। वहीं अपनी एक और बजट घोषणा को पूरा करते हुए सीएम गहलोत ने प्रदेश में शुद्ध के लिए शुद्ध अभियान को लगातार और प्रभावी तौर पर चलाने के लिए फूड सेफ्टी डायरेक्टर बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया है। साथ ही डायरेक्टरेट के लिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 185 पद क्रिएट करने की स्वीकृति दी है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के राज्य बजट में फूड सेफ्टी बढ़ाने की सीएम गहलोत ने घोषणा की थी। इसमें फूड सेफ्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, अकाउंट ऑफिसर के एक एक पदों समेत कुल 26 पदों को मंजूरी दी है। जिला स्तर पर फूड सेफ्टी ऑफिसर, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, फोर्थ क्लास वर्कर की कुल 159 पोस्ट क्रिएट करने पर भी सहमति दी है। इन सब के अलावा कोरोना काल में महामारी के चलते अनाथ हुए बच्चों को अब सरकारी स्कूलों के साथ साथ सरकारी कॉलेजों में भी निशुल्क शिक्षा और हॉस्टल में प्रवेश मिलेगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस मामले में बड़ा फैसला लेते हुए अनाथ हुए 306 विद्यार्थियों को सरकारी कॉलेजों में निशुल्क शिक्षा और हॉस्टल में निशुल्क प्रवेश देने की मंजूरी दी है। आपको बता दें कि कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को कक्षा 12वीं तक सरकारी विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा और आवासीय हॉस्टल में निशुल्क प्रवेश देने का प्रावधान था। अब गहलोत सरकार ने इसका दायरा बढ़ाया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।